हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। बट कहीं कुछ लोग जो हैं वो आई फ्लू से सफ़र कर रहे होंगे, तो कैसे आपको आईज को बचा के रखना है, जिनको नहीं हुआ है उनको कैसे बचाना है अपना आई फ्लू से, और जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उनको कैसे प्रिवेंशन करनी है, कैसे क्योर करना है अपने आई फ्लू को। तो देखिए, आपको सबसे पहली बात, आई फ्लू जो होता है इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो क्या रहते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपके आईज में इचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आप आईज को रब करते हो तो वाइट वाइट सा फ्रूट्स निकलने लगता है, आँखों में पानी जो है वो निकलने लगता है, आईज जो है वो पिंक ब्लड रेड कलर की हो जाती हैं। बट आपने घबराना नहीं है, इससे कोई भी आपको इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा अगर आप इसको क्योर कर लोगे तो। तो क्या है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपने सबसे पहले तो आप जब किसी को कांटेक्ट में आ जाते हो, जब आप किसी से बात भी करते हो तो उनका थोड़ा सा भी माउथ से थोड़ी सी भी ड्रॉप्स आपके हैंड पे या कहीं भी टच हो जाती है, वो हैंड आपके आईज़ में लग जाए, जहाँ कहीं भी ऐसे कांटेक्ट हो जाए, आप टावल किसी का फैमिली में टावल यूज़ कर लेते हो, कोई भी उनका पर्सनल कोई यूज़ कर लेते हो सामान, तो वो भी आइटम से भी वो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने का डर होता है। तो मतलब कि उससे प्रिवेंशन रखनी है, आपने किसी की कोई पर्सनल चीज़ को यूज़ नहीं करना है, कोशिश करनी है कि अपना टावल अपना ही यूज़ करो, और सेकंड थिंग कि आप जब लोगों से बात करो तो थोड़ा सा डिस्टेंस, अगर किसी कोई पर्सन सफ़र है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के ही बात करो, अपना कोशिश करो कि आईज जो हैं ऐनक लगा के रखो, ताकि आपकी आईज जो हैं प्रिवेंशन रहे। जिन लोगों की ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है उनको तो ऐनक लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या है कि आपके जो डायरेक्ट आईज पे रेस पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, उसकी वजह से आपकी आईज और स्वेल होती जा रही है। तो पहली बात, आपकी ऑलरेडी आईज जो हैं वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या पानी ऑलरेडी मॉइस्चर निकल जा रहा है आपकी आईज से, जिसकी वजह से आपकी आईज में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दूसरी बात, आपकी आईज जो हैं वो आपकी वायरस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी नॉर्मल 3 to 4 days ले ही रही है, तो आप इतना ज़्यादा ऐसे मत सोचो कि आपकी एक ही दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोशिश करो, आप जितनी जल्दी क्योर कर लोगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या करना है, आपने जब भी आपकी आईज आपको लगे थोड़ा सा भी हल्का सा भी इचिंग हो रही है, तो आपने पानी से अपनी आईज को वॉश करना है, कोई आई ड्रॉप उससे पहले आपने कोई आई ड्रॉप नहीं यूज़ करना, पहले आपने सिर्फ सिंपल पानी से ही अपनी आँखों को वॉश करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपकी आईज जो है पिंक होती जा रही हैं, रेड होती जा रही हैं, तो आपकी आईज जो हैं वो ज़्यादा वायरस जो है फैलता जा रहा है, तो आप तब आप कोई लुब्रिकेंट यूज़ करोगे जो कि आपकी आईज में जो है ड्राइनेस जो है इसको रिमूव कर दे। लुब्रिकेंट आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, वैसे तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो, मैं सफ़र हुई थी तो मैंने क्या यूज़ किया था, ये मैंने टीजी करके जो आता है लुब्रिकेंट, ये यूज़ किया था, जो कि एक लुब्रिकेंट है, ये हमारी आईज़ में जो मॉइस्चर बना के रखता है ताकि हमारी आईज़ में इचिंग ना हो। तो ये आपका एज अ वैसे भी इसकी जगह पे अगर आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर लोगे तो वो भी सफिशेंट रहेगा, बिकॉज लुब्रिकेट करना आईज़ को बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी आईज़ को धोते रहोगे 30-30 मिनट्स के बाद तो आपका ये भी आप यूज़ ना करो तो चल जाएगा। बट हाँ, आपको एक एंटीबायोटिक ऐसा जो यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी आईज में इन्फेक्शन जो है वो आपकी आईज को वीक कर देती है, तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना होता है। तो सबसे एंटीबायोटिक जो सबसे बेस्ट जा रहा है फ्लू में वो मॉक्सीफ्लोक्सासिन ही जा रहा है, बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन भी आते हैं, बट अलोन जो है वो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो आप मॉक्सीफ्लोक्सासिन किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, आपने ये है कि आई ड्रॉप जो है वो आपने सिर्फ एक मंथ में ही यूज़ करना होता है, अगर आप यूज़ करते हो तो इसको उसी टाइम पे कोशिश करो कि डिस्कार्ड कर दिया करो, बिकॉज ये पड़ा रहता है हमारे फ्रिज में, तो कोई और पर्सन इसके अगर मंथ बाद भी रह जाता है तो कोई और पर्सन भी इसको यूज़ कर लेता है। तो बट ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन जितनी भी होती है ये 1 month के लिए ही होती हैं, अगर आप एक बार इसको ओपन कर लो तो, एक बार ओपन करने के बाद आप 1 month के अंदर अंदर ही यूज़ करना होता है। तो आपका आई फ्लू तो आपका 3 to 4 days में ठीक हो जाएगा,
बट आपने उस टाइम पे अगर मतलब कि आप रखो अपने घर में, बट 1 month जब इसका हो जाए, जब आपने ओपन करा ना उसी टाइम पे आप डेट डाल लो उस पर, और जब इसको 1 month हो जाए तो इसको डिस्कार्ड ज़रूर कर दो, ठीक है, ताकि और पर्सन इसको ना यूज़ करें, बिकॉज़ ये 1 month के लिए ही, आफ्टर ओपनिंग इसका कैप ओपन कर देते हो तो इसकी 1 month की ही एक्सपायरी रहती है। नेक्स्ट डियर वंस, आपको क्या करना है कि आपको गॉगल्स एनक लगा के रखनी है। क्यों लगा के रखनी है? बिकॉज जब आपकी लाइट आँखों में पड़ रही है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी आँखें और स्वेल होने लगती हैं। स्वेलिंग जो होती है आपकी सिर्फ एक लाइट से होती है, जब लाइट जब पड़ती है आँखों में, तो आप लाइट चाहे वो आपकी टेलीविज़न की हो, मोबाइल की हो, चाहे वो सन रेज हो डायरेक्टली, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करती है। तो उससे बचने के लिए आप ऐनक लगा के रखो, ताकि आप उससे मतलब कि ज़्यादा आपकी आई स्वेल ना हो। और ये 1 week तो ये लेके जा ही रहा है, घबराना नहीं है, इससे कोई डरना नहीं है, बस अपनी प्रिवेंशन करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जिससे आपके अंदर भी कोई जो बैक्टीरिया, जो अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग फीवर से सफ़र कर रहे हैं, और भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो अपने अंदर अंदरूनी सफाई करना, अपने अंदर से सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सिर्फ एक पानी से कर सकते हो। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, और वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, टेक केयर।